नाज़रीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। Our vision is to empower students from all segments of society with quality and competitive education. Hence, Shaheen provides the students a system that blends a good amount of moral education along with the general education. मेरा नाम विखार है। विखार साहब, शोरूम पे हमारा भतीजा गाड़ी लाया था बेचने के लिए। ये शोरूम पे क्या है, शोरूम का नाम क्या है सर? एक्सा सर्विस। बोलिए, जोर से बोलिए। यहाँ गाड़ी लाए थे बेचने के लिए। क्या तारीख को लाए थे? 19 तारीख को लाए थे। 19 तारीख 5वां महीना 2023 को लाए थे। 4 दिन के बाद अकाउंट में पैसे आ जाते बोल के बोले थे। रिसिप्ट ये रिसिप्ट है, ये कंपनी की रिसिप्ट है। हाँ, कंपनी की रिसिप्ट है ये। ठीक है, ये कंपनी की रिसिप्ट है ये। 4 दिन के अंदर पैसे आ जाते बोल के बोले। 4 दिन के अंदर पैसे नहीं आए। कितने पैसे आते बोले? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए की रिसिप्ट। तो आप लोग 2 लाख रुपए में आप लोग डन कर दिए थे? हाँ, ये रिसिप्ट में अमाउंट मेंशन है इसमें। अच्छा, देखिए ये रिसिप्ट में अमाउंट मेंशन है यहाँ पे जी। 2 लाख रुपीज अमाउंट मेंशन है इसमें। ओके, 2 लाख रुपए देते बोल के बोले, मगर 4 दिन होगा, 4 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसे गिर जाते बोले, मगर 1 रुपया भी नहीं गिरा। जब हम लाए आके पूछने के बाद ये मालूम हो रहा कि भाई ये गाड़ी यहाँ शोरूम से इनका एम्प्लॉय, ये शोरूम का एम्प्लॉय दूसरे जगह ले जाके बेच लिया गाड़ी है। तो मतलब यही शोरूम का एम्प्लॉय, यही गाड़ी हमारे को जो वादा करे थे 2 लाख रुपए का हमारे इनो अमाउंट देने का, इनो दूसरे शोरूम पे ले आके गाड़ी बेच दिए। कितने में बेचे? 1 लाख रुपए में बेच दिए। तो आपको तो 2 लाख रुपए में बात हुई थी जो पेपर का? 2 लाख रुपए में बात हुई थी, 2 लाख रुपए की रिसिप्ट में लिखी भी है यहाँ पे जी। उसके बाद में 1 लाख रुपए में बाहर बेच दिए। 1 लाख रुपए में इनका इनका इनकी कंपनी के द्रव भाई। अरे भाई द्रव भाई, एक मिनट कि इनका एम्प्लॉय। अच्छा, हम रात में ढूंढे तो गाड़ी हमारे को मिली है फेसबुक पे। कहाँ पर है सब? जीएम मोटर्स पे सेल के लिए डाले थे ये गाड़ी जी। यहाँ हमारे को 2 लाख रुपए बोल के वहाँ गाड़ी अत्तापुर पे गाड़ी भेज दिए। अच्छा, तो कल शाम में हम जाके उनसे वो जीएम मोटर वालों से बात करके ये गाड़ी किसी को भी नहीं बेचना बोल के वहाँ से RC और चाबी लेके आए हम। दोनों आपके पास में है? गाड़ी वहीं पर है? गाड़ी वहीं पर है, जीएम मोटर पे है गाड़ी। गाड़ी वहीं है, हमारे पास खाली RC और चाबी है गाड़ी हमारे पास। तो ऑलरेडी जैसे जीएम मोटर्स में कितने में बेचा गया वो? ऑलरेडी जीएम मोटर पे 1 लाख रुपए में बेच दिए। फिर वहाँ से एक और एक जने 1,10,000 में खरीद लिए। तो गाड़ी दो आदमी को सेल हो चुकी है? 2 आदमी को सेल हो चुकी गाड़ी वो। लेकिन आप जो हकदार है, आप तक पैसा नहीं मिला? हमारे को पैसा कुछ भी नहीं मिल रहा, हमारी गाड़ी खुद हमारे को नहीं मिल रही। हमारे को जीएम मोटर से कुछ भी कंसर्ट नहीं है हमारे को। उन्होंने खरीदे सो गाड़ी, हमारे को कंसर्ट है ये शोरूम के एम्प्लॉय से कंसर्ट है हमारे को, ये शोरूम से कंसर्ट है हमारे को। क्योंकि शोरूम के CCTV कैमरे में हमारी जो लाके गाड़ी दिए थे वो सारी वीडियो है, हर वो चीज है। यहाँ रिसिप्ट 19 तारीख की रिसिप्ट है, उसके ऊपर आप 19 तारीख का रिकॉर्ड निकाल ले सकते हैं, उसमें सारी डिटेल है। ठीक है, आप शोरूम पे लाके बेचे? आप शोरूम पे लाके बेचे? ये जो एम्प्लॉय गलत काम कर रहा है, ये एम्प्लॉय आज से दो साल से तीन साल से काम कर रहा है यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, इतनी अथॉरिटी दे चुके हैं कि भाई आप कौन सी भी गाड़ी लियो और बेच दो, किसके भी पैसे खा जाओ, बल्कि ये शोरूम एम्प्लॉयों को पूरे एम्प्लॉयों को अथॉरिटी दिया सो ये। ओके, किसकी भी गाड़ी बेच दे सकते आप। हरीश साहब इधर आइए। सर आइए, सब बात करिए। आप ये 2 लाख रुपए की आई खरीब आई है? कौन है कंपनी के? 2 लाख ये कंपनी के एम्प्लॉय है, मैनेजर है नो इनका नाम एम्प्लॉय जी। ये 2 लाख रुपए की रिसिप्ट जो है ये बराबर है नहीं है? ये आपकी रिसिप्ट बराबर है नहीं है? आपकी कंपनी की? आपकी कंपनी की सर? ये कंपनी की है सर, फेक है सर, फेक है सर। हाँ, फेक रिसिप्ट बनाया सर। आप फेक रिसिप्ट, आपके पास 2 रिसिप्ट है क्या? फेक रिसिप्ट और आइए सामने आइए, आपकी इतनी बड़ी शोरूम पे इनू बोल रहे हैं भाई ये एम्प्लॉय है, इनू भी इनका भी शोरूम ही है, इनू बोल रहे हैं ये फेक रिसिप्ट है। तो एक इतने बड़े शोरूम में सर, आप ये बताइए फेक रिसिप्ट और ओरिजिनल रिसिप्ट दो भी है क्या? मैं आप शोरूम में गाड़ी दिए ना? शोरूम में, यही शोरूम में गाड़ी है, ये CCTV शोरूम के CCTV में ये गाड़ी मेरी मेंशन है यहाँ पे जी। मेंशन है
और ये एम्प्लॉय जो है, क्या नाम है सब एम्प्लॉय का? एम्प्लॉय का नाम इमरान है। ये पुलिस में कंप्लेन भी करे हम। अच्छा, कौन से पीएस में करे थे? ये शमशाबाद पीएस में कंप्लेन भी करे। ये देखिए, ठीक है सर। और ये रिसिप्ट है इनकी, ये ओनर का आधार कार्ड है। ये आरटीओ का बताओ ये? तो आप लोग आरटीओ में भी कंप्लेन करे हुए? ये आरटीओ में भी कंप्लेन करे हम, गाड़ी किसी के नाम पे नहीं होना बोल के। जी, ये आरटीओ की है, देखिए। ठीक है सर, आप ये बताइए, अभी ये आपको 2 लाख रुपए देते बोल के आपको रिसीप्ट वगैरह दे दिए? शोरूम वाले देना हमारे को। तो आपको पेमेंट नहीं मिला? हमारे को 1 रुपया पेमेंट नहीं मिला। तो आपके अकाउंट में आ जाता बोल के बोले? अकाउंट में आ जाता बोल के बोले। और इनका प्रोसीजर भी यही है। जी, इनका प्रोसीजर भी यही है कि आप पूरे सारे डॉक्यूमेंट दे दो। सारे डॉक्यूमेंट दे देने के बाद जब इन जिसमें जो ये रेट मेंशन करते हैं, जी, यही मेंशन आपको आपके अकाउंट में आ जाता पैसे। ओके, ये जो डेट है 19 तारीख 5वां महीना 2023, इसके 4 दिन के बाद आपके पैसे कभी भी आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बल्कि ये शोरूम का वादा है ये, लेकिन वो दिए नहीं। ये दिए नहीं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, बोलो रिया से, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कुछ भी ऊंच नीच होगा तो शोरूम जिम्मेदार है। ये रिसिप्ट के ऊपर लिखा हुआ है, बोलो। अच्छा, टर्म्स ऑफ कंडीशन है इसके अंदर? हाँ, टर्म्स ऑफ कंडीशन है। तो अभी आप शोरूम की रिसिप्ट पे लिखा हुआ है, ऑलरेडी प्रिंटेड लिखा हुआ है, कोई लिखे हुए नहीं है। ये शोरूम की रिसिप्ट है, ये शोरूम की रिसिप्ट है, ये लिखा हुआ है बाजब्ता कि अगर शोरूम पे आप गाड़ी ला के दे देंगे तो उस तारीख के बाद से शोरूम वाले जिम्मेदार रहेंगे। एक्सीडेंट होगा, टक्कर होंगी, कोई केस होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, एनी प्रॉब्लम, उनके वास्ते शोरूम जिम्मेदार रहेगा। रिसिप्ट पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। आप पीएस को गए थे तो पीएस पे कंप्लेंट दिए तो क्या बोले आप? पीएस को जाने के बाद पीएस वाले इनको बोले ना गाड़ी ढूंढने वो ढूंढे ये ढूंढे बोल के बोले, मगर हमारे को रिस्पांस सही नहीं मिल रहा। सब कहीं भी जा रहे हैं तो रिस्पांस सही नहीं मिल रहा। कल भी हमें ढूंढ के निकाले। शोरूम पे भी जाने के बाद हमारे को यहाँ रिस्पांस सही नहीं मिल रहा। आज पीएस पे भी गए तो हमारे को रिस्पांस सही नहीं मिल रहा। अब हम क्या करना बताओ मेरे को? देखो, हम यहाँ पीएस में जाके गाड़ी चोरी हो गई बोल के भी कंप्लेन नहीं लिखा सकते, क्योंकि गाड़ी हम खुद हैंड ओवर करे सो है ये। आप लोग खुद दिए सो है? हाँ, शोरूम के हवाले हम खुद हैंड ओवर करे सो है बाजबता। तो हम पीएस में कैसा बोलेंगे कि भाई गाड़ी चोरी हुई बोल के हम कैसा कंप्लेन करेंगे? सही, अगर चोरी हुई बोल के कंप्लेन करेंगे तो पुलिस वाले कुछ भी एक्शन लेंगे ना भाई हमारे को। तो आप लोग तो कंपनी को हैंड ओवर करें। पुलिस में कुछ भी पुलिस वालों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका कोई कसूर ही नहीं है। उनको अगर चोरी हो गए बोल के कंप्लेन आया समझो, तो उन्होंने कुछ भी एक्शन लेंगे। या आगे हम बाजब्ता होश आवाज में ये रिसिप्ट दिए या शोरूम को हैंड ओवर करे सोइए। तो सर, अब आपका मुतालबा, आपको पेमेंट चाहिए कंपनी से? जीरोक्स है ये, ओरिजिनल रिसिप्ट है ये पूरी। जी, ये ओरिजिनल रिसिप्ट है। ये नहीं, फ्रॉड काम चल रहा है शोरूम में। ये शोरूम में फ्रॉड काम ऑलरेडी 2-3 गाड़ियां ऐसी हुए बोल के सुनने में आ रहा है हमारे को। 2 दिन से आ रहे हैं, हमारे को तो नहीं मालूम, 1-2 दिन से आ रहे हैं तो हमारे को मालूम हो रहा है कि भाई ये शोरूम में ऐसा चल रहा बोल के मालूम हो रहा। ये एम्प्लॉयज कर रहे हैं सर? ये एम्प्लॉय दूसरी जगह गाड़ी ले जाके भेज दिया आप कर रहे हैं सर? गाड़ी ले रहे हैं बाहर ले आके एम्प्लॉयज भेज दे रहे हैं। तो सर, आप लोग अभी कंपनी से बात किए हैं? आप लोग? हम कंपनी से बात किए हैं, मगर कंपनी में हमारे को रिस्पांस देने वाला कोई भी नहीं है, बल्कि आपके हाथ पैर जोड़ के आप लोगों को बुलाया हम लोग। शोरूम कौन से एरिया में आता है? ये शमशाबाद एयरपोर्ट के सामने आता है। ये क्या नाम है सर शोरूम का? नेक्सा सर्विस, ट्रू वैल्यू। ठीक है सर, यहाँ पूरे एम्प्लॉयज है, यहाँ पे पूरे एम्प्लॉयज रहने के बाद भी हमारे को आपके साथ में कोई भी मतलब एडजस्टमेंट करने की बात? आज हम ये रिसिप्ट बताए तो आज ये शोरूम के एम्प्लॉय बोल रहे हैं कि भाई ये डुप्लीकेट रिसिप्ट है। बोले ना भाई, आप इधर आओ। कौन बोले शोरूम के? यहाँ है, जरा इधर आओ भाई सामने। ये फेक रिसिप्ट है बोल के आप बोल रहे हैं? ये फेक रिसिप्ट है बोल रहे हैं? तो यानी कि आप लोग ये कंपनी में यहाँ पे गाड़ी दिए बाद में इस कंपनी के ऑफिस से आपको फेक रसीद मिल रहे? फेक रसीद मिल रही है हमारे को, और वापस ले आके बाहर गाड़ियाँ भेज दे रहे हैं? बाहर ले आके गाड़ियाँ भेज दे रहे हैं। आप बोले हमारे को कि भाई ये रसीद फेक है, तो गाड़ी ये ओरिजिनल रिसिप्ट नहीं है बोले। अच्छा, ये जो शोरूम है, ये स्टैम्प है, हर वो चीज है, ये फेक है बोल के बोल रहे हैं आप? जी, तो अब आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये गाड़ी को हम या शोरूम को गाड़ी दिए थे, 4 दिन के बाद हमारे को पेमेंट होना था, हमारे को पेमेंट नहीं आया। ठीक है, हमारे को पेमेंट होना है बस, या हमारी गाड़ी हमारे को दे दो या हमारा पेमेंट हमारे को दे दो। हम 2 चीज में से कोई 1 चीज मांग रहे हैं। हम कोई शोरूम को परेशान नहीं कर रहे हैं,
कोई चीज परेशान हम नहीं कर रहे शोरूम को, ठीक है सर। हम कोई एम्प्लॉय से बदतमीजी नहीं कर रहे। गाड़ी के ओनर का क्या नाम है? मुजीब हुसैन है नाम, मुजीब मोहम्मद मुजीब हुसैन जी। हाँ, अभी उन्हीं के नाम पे गाड़ी है या अभी नाम पे है? मेरा बेटा है वो, तो अभी उन्हीं के नाम पे गाड़ी है। के नाम पे गाड़ी है अभी, मतलब ट्रांसफर नहीं हुई? ट्रांसफर नहीं हुई और गाड़ी ट्रांसफर होती भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम आरटीओ में सबमिट कर चुके हैं कि भाई गाड़ी ट्रांसफर नहीं करना, ठीक है। वहाँ कंप्लेन दे चुके हैं हम लोग, ये स्टैंप मार के साइन मार के दिए वहाँ पे आरटीओ में कि गाड़ी किसी के भी नाम पे ट्रांसफर नहीं होगी। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहाँ है सर? ओरिजिनल पूरे डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास।